नमस्कार, नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। और सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा से जुड़ी खबरों की। बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक के विरोध में शुक्रवार को विधानसभा में तमाम विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेताओं ने इस विधेयक को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि इसे अविलंब वापस लिया जाए। आपको बता दें कि शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया और बिल की प्रति मारकर वेल में फेंक दिया, जिसके बाद सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। हंगामा होता देख बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया। बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है, बिना वारंट के घर की तलाशी हो सकती है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, कुछ क्रिमिनल्स है उसको तो आप बिना वारंट का पकड़ते ही है, लेकिन ये जनरल एक्ट बनाना पूरी जनता के लिए, जनता के हित में रहता है। अगर चाहता है जंग वाजिब है तो जंग ही सही। ये जंग शुरू कर दिया गया है, विधेयक पेश नहीं करने दिया जाएगा और प्रवर समिति में ले जाए वो और बिहार की जनता को जवाब दे। राज्य सरकार के बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के विरोध में शुक्रवार को तमाम विपक्षी पार्टियों ने विधानसभा में विरोध किया। विपक्ष ने इसे तुगलक की फरमान बताते हुए बिल की प्रति को फाड़ कर फेंक दिया। वहीं अब इस पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिल की प्रति को फाड़ना सही नहीं और इस कानून को वापस बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। उनके अनुसार यह कानून सबके हित में है। संसदीय कार्य कुछ भी सदन के अंदर करना तो ये तो असोभनीय है। अब आप फाड़ दीजिए, विरोध करने का तरीका है लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में सब तरीका है, लेकिन यदि इस प्रकार के काम करेंगे तो ऐसा करने वाले लोगों को क्या कहा जाएगा। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव इस बार नीतीश सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। शुक्रवार को बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही तेजस्वी ने विधानसभा अध्यक्ष को सीएम नीतीश के मंत्रियों के दागे होने की सबूत पेश करने की बात कही। एडीआर रिपोर्ट को लेकर पहुंचे तेजस्वी ने कहा कि 64% मंत्रियों ने एफिडेविट में खुद स्वीकारा है कि उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके साथ तेजस्वी ने मंत्री रामसूरत राय को लेकर कहा कि वे सदन को मिसगाइड कर रहे हैं। 64% आप देख सकते हैं, एक जाना माना अखबार ने भी छापने का काम किया है, तो बिना तथ्यों के हम लोग ये बोल रहे हैं। बाकी राम सूरत राय जी के बारे में अगर बात की जाए, एक जमीन जो है बाईपास पे पकड़ी गई, उस पर थाना खोल लिया गया। अब सवाल है कि नवंबर से जब मंत्री का जब कैंपस जब खुला है तो वहाँ अब तक। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नीतीश सरकार के दागी मंत्रियों के आरोप पर मंत्री मुकेश सहनी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के सभी मंत्रियों की प्रोफाइल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिसमें सभी जानकारियां मौजूद हैं। ऐसे में तेजस्वी के लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। दरअसल शुक्रवार को तेजस्वी यादव नीतीश सरकार के मंत्रियों के खिलाफ एडीआर रिपोर्ट लेकर विधानसभा पहुंचे थे। रिपोर्ट किया, ऐसे लोगों को केस तो अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर उस पर सरकार भी और बिहार की जनता भी देखने की आवश्यकता है। और ये तो भारत सरकार का और चुनाव आयोग का गाइडलाइन है, कौन आदमी क्या है उसका पूरा जानकारी पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए। ये जो भी चीज़ उन्होंने लाया हो तो पब्लिक डोमेन में, कोई ऐसी चीज़ लाए जो छुपा हुआ हो, जो किसी को नहीं मालूम है, तो ऐसी बात को लाना चाहिए। जो पब्लिक डोमेन में है उसको मतलब सदन में लाने की क्या जरूरी है उस पर। तो दूसरी ओर सदन की कार्यवाही से पहले आरजेडी विधायकों ने नीतीश सरकार पर शराबबंदी को लेकर हमला बोला। आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल है और इस पर सरकार कुछ कार्य नहीं कर रही। कि शराबबंदी हो, पूरी तरह हो, और उसमें सरकार विफल है। सरकार के संरक्षण में शराब बेचे जा रहे हैं बिहार के अंदर, पुलिस व्यवस्था उसी काम में बहुत हद तक लगी हुई है, इसलिए अपराध बिहार का बढ़ रहा है। सरकार ने, सरकार से मांग करता है राष्ट्रीय जनता दल कि जननायक कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। बिहार विधानसभा के बाहर माले विधायकों ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल के दामों को लेकर हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान माले विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि बेतहाशा बढ़ती महंगाई ने आम लोगों के जीवन को त्रस्त कर दिया है। वहीं बिहार सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि टैक्स पर यदि जल्द कोई रियायत नहीं दी गई तो सड़क से लेकर संसद तक कार्रवाई की जाएगी। ट्रेनों का बिलों
बंद चालू करो। कमाई लगातार घट रही है और महंगाई बढ़ रही है, यही आज देश की सच्चाई है, यही नीतीश मोदी सरकार की सच्चाई है। रोजगार नहीं है, बहालियां नहीं है, उद्योग धंधा कल कारखाना नहीं है, यानी कि रोजगार नहीं, आमदनी नहीं, लेकिन हर क्षेत्र में महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर के खाद्य लगा। तो आपको बता दें कि आज शुक्रवार को जमकर हंगामा देखने को मिला, विपक्ष पार्टियों ने जमकर हंगामा किया, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल के दामों को लेकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार सरकार पेट्रोल के दामों में कमी नहीं लाती है, टैक्स में बढ़ोतरी जो हो रही है उसमें रियायत नहीं देती है, तो सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन किया जाएगा। और इस मौके पर तमाम विधायकों ने हाथों में जबरदस्त प्रदर्शन किया। और इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां एक एटीएम में पैसा डालने के दौरान बैंक कर्मी को अपराधियों ने गोली मार दी है और उसके बाद 9 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। उस वक्त एटीएम में पैसा डाल रहे थे बैंक कर्मी, जब अपराधियों ने घात लगाकर गोली मार दी और 9 लाख लूट लिए हैं। घटना पर तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि घटना के बाद लोगों में हड़कंप मच गया और यह एसके पुरी की अल्पना मार्केट की घटना है, जहां एटीएम में बैंककर्मी पैसे डाल रहा था तभी यह घटना घटी। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपराधियों ने वहां से फरार भी हो गए। तस्वीरें आपके सामने अल्पना मार्केट की, यह इलाका है काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है, पुलिसकर्मी यहाँ पर हर समय तैनात रहते हैं, लेकिन यह घटना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई है क्योंकि एक बैंक कर्मी को गोली मारी गई है। अपराधी जो थे पहले से ही घात लगाए हुए थे और उसके बाद यह घटना घटी है। एटीएम में पैसा डालने के दौरान इनको गोली मार दी गई, बाइक सवार अपराधी थे जिन्होंने गोली मार दी एटीएम में पैसा डालने के दौरान एक बैंक कर्मी को और उसके बाद 9 लाख लूट कर फरार हो गए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें आपके सामने, सबसे पहले आपके सामने तस्वीरें नेशन न्यूज के दर्शकों के लिए, अल्पना मार्केट की तस्वीर है, एसके पुरी थाना क्षेत्र में स्थित है, जहां पर आईसीआईसीआई के बैंक एटीएम में पैसा डाला जा रहा था तभी घात लगाए अपराधियों ने बैंक कर्मी को गोली मार दी और 9 लाख लूट कर फरार हो गए। मौके पर तमाम पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं, मामले की छानबीन चल रही है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। यह वह इलाका है जहां पहले छिनताई और चैन स्नेचिंग का मामला भी सामने आया है। एसके पुरी थाना में लगातार घटनाएं जो हैं बढ़ रही हैं, खासकर बाइकर्स गिरोह जो है यहाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और आए दिन लगातार ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। एक बड़ी खबर राजधानी पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र के अल्पना मार्केट से, जहां बैंक कर्मी को गोली मारती है एटीएम में पैसा डालने के दौरान अपराधियों ने। खबर में आगे बढ़ते हैं। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित अपने आवास पर आरजेडी नेता जयप्रकाश नारायण यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को दिग्भ्रमित कर रही है जबकि आम जनता इस महंगाई की मार से त्रस्त है। मुंगेर को मेडिकल कॉलेज दीजिए तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लिखता है, वह लिखता है आपके सामने खड़ा जयप्रकाश यादव। कॉलेज दीजिए 4 साल पहले से आगा कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जब हम बांका के एमपी थे तब मुंगेर के सवाल उठाते, मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या बन जाता। रोहतास जिले के बलिया गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के लगभग 40 छात्र छात्राएं दूषित जंगली फल खाने से बीमार हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों का कहना है कि स्कूल से लौटने के बाद बच्चों की तबीयत खराब होने लगी जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। अपने पर लगे आरोपों पर प्रिंसिपल ने सफाई दी और कहा कि स्कूल के दौरान ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। उसमें थे पॉइजनिंग टाइप का कुछ ड्राई थी, खा लिया है फूल पॉइजनिंग हो गया है उसमें, समझे ना। अभी बच्चों की क्या स्थिति है? स्थिति ठीक है, करीब सब लोग ठीक हो जाएगा। मतलब क्या बेहोश हो गया है लोग? ना बेहोश नहीं है लोग,
अच्छा उल्टी हुआ है, पैखाना हुआ है, उल्टी और पैखाना हुआ है, कुछ बेचैन नहीं। जहानाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर जिला वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि जिले के कनौटी गांव से हाल ही में एक स्कॉर्पियो वाहन की चोरी की गई थी, जिसके बाद थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और 24 घंटे के भीतर ही वाहन चोर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया। ओपी के अंतर्गत एक गाँव है कनौटी, वहाँ के राजकुमार जी थे जो अपनी स्कॉर्पियो घर के सामने लगा के सो रहे थे। सुबह में वो स्कॉर्पियो जो है उनको नहीं दिखाई दी। स्कॉर्पियो चोरी की घटना प्रतिवेदित हुई कड़ौना ओपी में और FIR दर्ज करके तत्काल ही उस संबंध में अनुसंधान करना उन्होंने शुरू किया। अनुसंधान के क्रम में ही पता चला कि इस गाड़ी का लोकेशन कहाँ पे है। एक टीम को तुरंत रवाना किया गया SHO के निर्देशन में।